तथागत बुद्धा। चार प्रकार के कर्म क्लेश, चार प्रकार के पाप कर्म, छह प्रकार के संपत्ति विनाश के जो कारण है इसको छोड़ना चाहिए। ये चौदह प्रकार का जो अकुशल है उसको छोड़ना चाहिए। जीवन में सही मित्र को समझ के साथ में रखना चाहिए, मित्र रूपी शत्रु को दूर करना चाहिए। ये सारा चीज करने के बाद अच्छे से समझ के फिर छह दिशा नमस्कार करना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो गृहस्थाश्रम में रह के जो अपना नियम पालन करना है उसके विषय में जो छह दिशा जो नमस्कार करते हैं उसका अर्थ तथागत बुद्ध कहते हैं। तो छह दिशा नमस्कार का अर्थ क्या है? जैसे हम ये पूर्व की दिशा में देख के खड़ा हो जाता है तो ऐसा याद करेंगे, पूर्व जो सामने का पूर्व दिशा है वो हमसे पहले आया है, तो इसलिए पूर्व दिशा नमस्कार का मतलब माता पिता को नमस्कार करना है। पश्चिम जो पीछे है तो पीछे आने वाले बोले तो अपना परिवार, अपना पुत्र, तो उन लोगों को नमस्कार, मतलब जो अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य निर्वाह करना। दक्षिण, दक्षिण बोले तो अपना राइट हैंड समान, तो राइट हैंड समान बोले तो जो अच्छे बातें बताने वाले जो आचार्य गुरु है, जो टीचर्स है, उन लोगों को नमस्कार करना, बोले तो अपना कर्तव्य निर्वाह करना। लेफ्ट हैंड समान जो उत्तर दिशा है, अपना मित्र जो जिंदगी में हर समय साथ देने वाले जो कल्याण मित्र है उनको नमस्कार करना, मतलब अपना कर्तव्य निर्वाह करना। नीचे की दिशा में जो नमस्कार करते हैं, नीचे बोले तो अपने नीचे रह के काम करने वाले जो नौकर हो या कामदार हो, ऐसे लोगों को नमस्कार करना, मतलब उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञ होके अपना कर्तव्य निर्वाह करना। और जो ऊपर की दिशा में नमस्कार करना मतलब क्या है, अपने से ऊपर जो सीलवान गुणवान है, जो श्रमण ब्राह्मण है या जो पूजने भिक्खु संघ है, धम्म है, उन लोगों को नमस्कार करना, मतलब जो अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य निर्वाह करना। तो ये छह दिशा नमस्कार याद करने के लिए आसान है। पूर्व दिशा में देख के खड़े रहेंगे तो अपने से पहले आने वाला पूर्व दिशा माता पिता, पीछे आने वाला परिवार हो गया, ये राइट हैंड समान टीचर्स हो गया, और लेफ्ट हैंड समान अपने दोस्त मित्र हो गया, नीचे काम करने वाला, ऊपर जो अच्छे धर्म की बातें बताने वाले, जीवन में मार्ग निर्देशन करने वाले, ये श्रमण भिक्षु। तो इस तरह छह दिशा। अब ये छह दिशा नमस्कार करने का मतलब केवल नमस्कार ही करके बैठना, ये तथागत बुद्ध का उपदेश नहीं है। नमस्कार करने का मतलब भी जो अपने आचरण व्यवहार से जो कर्तव्य पालन करना है वो कर्तव्य निर्वाह होना चाहिए, तब जाके सही रूप में नमस्कार है। तो माता पिता को नमस्कार करना बोले तो माता पिता के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना, परिवार को नमस्कार करना बोले तो परिवार के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना, गुरु आचार्यों को नमस्कार करना बोले तो उनके प्रति कर्तव्य निर्वाह करना, और दोस्तों को नमस्कार करना बोले तो दोस्तों के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना, नौकर चाकर या कामदार को नमस्कार करना बोले तो उनके प्रति कर्तव्य को निर्वाह करना, और जो पूजनीय श्रमण भिक्षुओं को नमस्कार करना बोले तो उनके प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करना। और ये कर्तव्य अपने जगह में रह के जहां जैसा है उस तरह से कर्तव्य निर्वाह करना, यही गृहस्थ कर्तव्य है, गृही विनय है, जो तथागत बुद्ध ने कहा है। साधु, साधु, साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धा टीचिंग चैनल।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।